वो जो मोमेंट्स जो अभी वो हम जब भी बैठते हैं, मैं पापा के साथ बैठता हूँ तो वो अपने मोमेंट्स लाइफ के मेरे को बताते हैं. ही ऑलवेज ट्राई टू इंस्पायर मी कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी है, और मैं उनको देख के ही शायद इंस्पायर हुआ हूँ इतना और आगे तक यहाँ तक आया हूँ. और मेरी मम्मी, शी इज़ वेरी इमोशनल. वो हर छोटी सी चीज़ में, मेरी हर छोटी सी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है, और शायद उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं और शायद उन्हीं का पॉजिटिवनेस है इतना जो मेरे अंदर रहा और मैंने कभी हार. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रांत साहू एंड आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश. एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 11 SSB इलाहाबाद इन माय 6th अटेम्प्ट फॉर इंडियन आर्मी. एंड दिस जर्नी ऑफ बीइंग रिकमेंडेड स्टार्टेड वे बैक व्हेन आई वाज चाइल्ड, एज माय फादर वाज इन इंडियन आर्मी. सो माय होल चाइल्डहुड वाज स्पेंट सीइंग दोज ह्यूज हैवी मशीनरीज एंड ट्रक्स. सो आई वाज वेरी मोटिवेटेड of joining Indian Armed Forces from at a very early age, and I was quite motivated to wear that olive green uniform and have those stars on my shoulder. I passed my 12th from Army Public School Kanpur Cant in 2018. So after I passed my 12th class, the only thing that was in my mind was to clear NDA. So in 2018 I gave my NDA, but unfortunately I was unable to clear it. But there is one thing that always remained in my mind, that life is never a bed of roses. So har time bas main yahi sochta tha ki abhi nahi to aage sahi. So I practiced and I worked on my weak parts for 1 year. I improved my maths, current affairs and my English. So in 2019 I gave my NDA again and I cleared it. और उसके बाद फिर मैं SSB का वेट कर रहा था, एंड इन बिटवीन मैंने TS दिए एंड आई वॉज स्क्रीनड आउट. इन 3 TS आई वॉज स्क्रीनड आउट. तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, मैं हर बार जाता था एक न्यू एनर्जी के साथ एंड आई गॉट स्क्रीनड आउट. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि आई हैव इट इन मी. सो अभी मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, कि मैं रिकमेंड क्यों नहीं हो रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आए. बट द थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज दैट आई नेवर गेव अप. मुझे पता था कि मेरा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद से ही, बट होगा ज़रूर. सो मैं अपने पेरेंट्स से चीज़ें शेयर करता था, और जो सबसे अहम रोल किसी ने अगर प्ले किया है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं. वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे. मैं जैसे ही किसी SSB में जाता था, मैं मदर यूज़ टू बी वेरी पॉजिटिव. सो हमेशा कहती थी कि इस बार तुम रिकमेंड होगे. मैं भी जाता था फुल एनर्जी के साथ, बट ऑन द नेक्स्ट डे आई यूज टू कॉल हर, मम्मी स्क्रीन आउट हो गया, एंड शी वॉज लाइक कोई नहीं, इस बार नहीं अगली बार. तो द थिंग इज दैट दे नेवर गेव अप ऑन मी एंड आई नेवर गेव अप ऑन माई सेल्फ. बस मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता गया, एंड फाइनली उनकी ब्लेसिंग्स से, मेरे मेंटर्स की ब्लेसिंग्स से, मैं NDA में रिकमेंड हुआ, NDA 145. और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था जिससे मैं रिकमेंड हुआ. तो ये जो जर्नी थी मेरी, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट जो एक चीज़ सबके लाइफ में आती है और जो सबको कभी ना कभी फेस करना होता है, वो यही चीज़ है कि आप कैसे अपने फेलियर्स को अपनी स्ट्रेंथ में बदलते हैं. हर एक फेलियर के साथ मैं एक नई एनर्जी के साथ कुछ नया सीखता था कि मुझ में ये सेल्फ डेवलपमेंट मैं कर सकता हूँ अभी. और शायद उसी की वजह से शायद मेरे 6th अटेम्प्ट में मैंने वो कर दिखाया जो मैं हमेशा करना चाहता था. फाइनली आई गॉट अ चांस एंड मैं रिकमेंड हो गया फाइनली. और इन सभी के बीच में जो मैंने एक चीज़ फॉलो की थी, वो था मैं कैसे लोगों के बीच में घुल मिल सकता हूँ, कैसे उनसे नई चीज़ें सीख सकता हूँ. तो जो हमेशा एक लर्निंग का एटीट्यूड रहा, शायद उसी की वजह से, और शायद उसी ने मुझे जो है आज यहाँ तक पहुँचाया है. जब मेरा 2018 में रिटन नहीं निकला, सो मैंने सोचा कि यार मैथ्स नहीं हुआ, तो मैंने मैथ्स में बहुत फोकस किया.
मैंने वो छोटी छोटी चीज़ें निकाली, मैंने रिटेन की सेल्फ प्रिपरेशन की थी, मैंने मैथ्स के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स सीखी जिससे मैं टाइम लिमिट के अंदर कर सकूं। मैंने 20 इयर्स के प्रीवियसली पेपर सॉल्व किए। फाइनली इन 2019 एंड 2020 आई क्लियर्ड बोथ NDA। सो शायद उसी प्रिपरेशन की वजह से ही मैं क्लियर कर पाया। और करंट अफेयर्स मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, माय इंग्लिश वाज डिसेंट, सो इन दिस वे आई क्लियर्ड माय NDA एंड देन माय जर्नी ऑफ SSB स्टार्टेड। माय फर्स्ट SSB वाज फ्रॉम 11 SSB इलाहाबाद, आई गॉट स्क्रीन्ड आउट फ्रॉम देयर। सो जो एक चीज़ मेरे मन में थी कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, इस बार नहीं हुआ अगले में पक्का होगा, सो आई वेंट फॉर AFSB वाराणसी फॉर NDA 144। बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट। मैं घर आया, मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया, पापा से शेयर किया एंड फिर मैंने अपने आप को उन चीज़ों में इम्प्रूव किया। मैंने अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को, मैंने अपने एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव किया। और फिर जो एक चीज़ मैंने की, मुझे लगता है कि शायद मेरी पूरी फैमिली अब SSB के लिए तैयार है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करता था। मैं अपनी दीदी को बिठा देता था, उसके साथ PPNDT ग्रुप डिस्कशन मम्मी के साथ कर रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने अपने फैमिली के साथ की थी। और हर बार मतलब जब भी मैं अगर स्क्रीन आउट हुआ, मैं जाता था जब भी, फिर अगले दिन घर में आ जाता, मम्मी स्क्रीन आउट हो गया। तो वो जो एक एक्सपीरियंस था, उसने मेरे को शायद एक पॉजिटिव एनर्जी दी, जिससे कि मैं जब अपने ये 6th अटेम्प्ट में गया SSB में, तो मेरे अंदर ये था कि आखिरी है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया अब, तो इस बार तो मैं रिकमेंड होके ही जा रहा हूँ। Vikrant Sahu was one of the most inquisitive and positive students. And what is best about him that he used to be very interactive and he used to clear his doubts, and which was beneficial not only for him, for others. And the main issue with him was that he couldn't clear the SSB in the previous 5 attempts. So he was under stress, but he was positive. And we helped him how to go about and how to answer, you know, why he couldn't. And he improved on whether it is the stage 1 or whether it is the stage 2 of the SSB. And he finally made it in 6th attempt at Allahabad 11 SSB. तो मैं 6th अटेम्प्ट में जब गया SSB में, आई गॉट रिकमेंडेड। और मैंने स्टार्ट से ही हमेशा मेरा मोटिवेशन था आर्मी की तरफ, आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स ज्वाइनिंग आर्मी। बट मेरे पापा को ये चीज़ पता नहीं थी, सो मैंने जब 12th करी एंड आई वेंट टू हिम एंड सेड कि पापा NDA देना है और आर्मी ज्वाइन करना है। सो एट स्टार्टिंग ही वॉज लाइक कि आर्मी में तुम्हें क्यों जाना है, लाइफ बहुत टफ होती है, तुम जय करो। बट धीरे धीरे मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं पापा, यही मेरे लिए बेस्ट है और मैं शायद यहीं सूटेबल हूँ। और शायद मेरे अंदर उन्हें ज़रूर कुछ दिखा होगा, शायद वो कॉन्फिडेंस होगा या कुछ ना कुछ होगा, जिसकी वजह से ही गॉट कन्विंस्ड और उनका ठीक है। ही रियली सपोर्टेड मी इन माई एवरी डिसीजन दैट आई हैव टेकन टिल नाउ। और सबसे ज़्यादा खुशी भी मेरे रिकमेंडेशन के बाद शायद मेरे पापा को ही हुई थी। और वो जो मोमेंट्स जो अभी वो हम जब भी बैठते हैं, मैं पापा के साथ बैठता हूँ, तो वो अपने मोमेंट्स लाइफ के मेरे को बताते हैं। ही ऑलवेज़ ट्राई टू इंस्पायर मी कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी है, और मैं उनको देख के ही शायद इंस्पायर हुआ हूँ इतना और आगे तक यहाँ तक आया हूँ। और मेरी मम्मी, शी इज़ वेरी इमोशनल, वो हर छोटी सी चीज़ में, मेरी हर छोटी सी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। और शायद उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं और शायद उन्हीं का पॉजिटिवनेस है इतना जो मेरे अंदर रहा और मैंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। और जो पहली चीज़ मैंने की वो था, मैंने पापा को कॉल किया, पापा आई एम रिकमेंडेड नाउ, अब ऑफिसर बनने जा रहा हूँ। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। एंड मुझे पता चला बाद में कि मेरे पापा ने सबको बता दिया कि मैं रिकमेंड हो गया। मैंने उनसे कहा था कि मेडिकल्स तक रुको, बट एज अ फादर ही कांट वेट, उन्होंने बता दिया सबको। एंड फिर मैंने अपने मेंटर्स, अपने सर को बताया कि सर हो गया है मेरा, एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। और मैं बस आप सबसे इतना ही कहूँगा कि SSB एक जीने का तरीका है, SSB कोई एग्ज़ाम नहीं है। जस्ट शो व्हाट यू आर, और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो और ऑलवेज मूव ऑन।
कभी भी फेलियर्स को रिग्रेट मत करो, उन्हें लेके मत बैठो, बस आगे बढ़ते जाओ और अपना बेस्ट दो हर जगह। एक चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है SSB के वो 5 दिन। वो आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। आप इतने नए लोगों से मिलते हैं और हमेशा उन सबसे कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हैं। तो अगर आप जब भी SSB में जाओ ना, सबके साथ मतलब इंजॉय करो वो 5 दिन, क्योंकि वो आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होंगे। मैंने अपनी SSB में बहुत सारे लोगों के साथ बातें की, मैं कभी बैठा नहीं रूम पे अपने, बाहर निकल जाता था उनके साथ, मैं बातें करता था, उनकी लाइफ के बारे में जानता था। हमने साथ में गाने गाते थे बैठ के, हमने सिंगिंग कॉम्पिटिशन किया था, हम गाने गा रहे हैं बैठ के, हमने दम श्राद्ध खेला था। सो लाइफ जो है वहाँ पे ही मोमेंट बनते और वहीं आपको लगेगा आपने कि कुछ अलग किया है SSB के इन 5 दिनों में। वो आपके लाइफ के सबसे प्रेशियस मोमेंट होंगे जो आप हमेशा रिमेंबर करेंगे अपनी लाइफ में आगे भी। सो SSB के बस वो 5 दिन इंजॉय करो, अपना बेस्ट दो, दैट्स ऑल। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एक और कामयाबी की दास्ता फॉर India 145। दिस टाइम विक्रांत साहू हैज क्रैक्ड SSB फॉर India 145 इन हिज 6th अटेम्प्ट। इट शोज हिज लेवल ऑफ डिटरमिन्ड एफर्ट्स, हिज परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क ऑल टुगेदर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड स्पेशल congratulations to Team Centurion for such incredible performance throughout. All the best to all India aspirants. Jai Hind. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले।